नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए, तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता खारगे जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, चंपा सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरेक ओब्रायन जी, कल्पना सोरेन जी, त्रिची सिल्वा जी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराजा जी, थिरुटोल जी, कोरुम अनिस ओमर जी, और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीद कर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है।